खाई छी यार। तो हेलो जी, नमस्ते, मैं ललिता आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद ना बच्चों लोगों को ना पूरा माला भगवान जी को चढ़ाए थे वो सारा माला फिर बच्चे लोगों को दे रहे हैं। और ये माला सब ना माली लेके आते हैं हमारे यहाँ, माली का, हजाम का और कुम्हार का, हलवाई का, ये सारा काम ना आज भी हम लोग उन्हीं सबसे लेते हैं और गाँव में यही परम्परा है। तो ये पूजा पाठ होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मंदिर जाना है। तो 3 बजने ही वाला है, 2 बज चुका है, आते आते हम लोगों को 3 बज गया। तो उससे आगे को आप लोगों को देखने को मिलेगा वीडियो, थोड़ा सा पाठ पूजा का रह गया था तो सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। हलिया पकड़ो, हम रे रिकॉर्डिंग पकते मुंह घर पे मम्मी पर पहले रिकॉर्डिंग दबले नहीं चल। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो यही गान गीत और हंसी मजाक मंदिर में यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, गांव का मजा ना अलग ही रहता है। हम लोगों को जो भी मतलब मन में रहता है ना भगवान जी को गाना के जरिए हम लोग बोल देते हैं। और यही गीत अगर हम यहाँ गाएंगे ना तो लोग बोलेगा पागल जैसा देखेंगे और क्या कर रही है। तो ये फ़र्क रहता है गांव में और शहर में। जैसे हम लोग जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर तो और अजीब अजीब तरीके से सब लोग घूरने लगते हैं। और अभी हम तीनों ननद भौजा एक दूसरे को वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और हम तीनों हंसी मजाक करते करते आ रहे थे। तो यही सारा चीज़ ना मुझे बहुत मतलब अंदर से जब भी बेंगलोर में रहती हूँ, अकेले में रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत खलता है ये सारी चीज़ देख देख के ना। और देखूँगी जब भी ना मुझे यही याद आएगा, यही मन में होगा कि मैं कब चली जाऊँ गाँव। और यही सारी फ्री वाला ये सारी चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है गाँव में। पीछे मारो कपा घर पर झबरे भोजा खा लिया जान बुझ के बीजो बनबै छी जकर हमर पूरा भाइ ज्यादा की हो मजा आ।
पकड़ने दो भाई खा ले बारिया बर्फ खाना है आ जाइए आई नहीं है बर्फ हाँ बदल गया इसका टेस्ट ही गाँव में सारा तो डायरेक्ट आप लोगों से मैं यहाँ पे मिलती हूँ। तीसरी शादी है और तीसरी लड़की की ही शादी है यहाँ पे और बारात आ चुका है जयमाला के लिए। दुल्हा दुल्हन भी आ गए हैं यहाँ पे और स्टेज पे, तो दूर से दिख ही नहीं रहा था। दुल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे थे तो नहीं दिख रहा था, कैमरामैन बीच में खड़े थे और हम लोग घूंघट करके ऐसे वीडियो बना रहे थे। मेरी देवरानी बोल रही है कहीं भी चालू हुआ यहाँ भी नहीं छोड़ रही है, तो मैं बोले थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसी वजह से ना सुबह में ही हमने सत्यनारायण कथा करवा लें कि अच्छा रहेगा यहाँ पे, अगर मदद चाहिए तो यहाँ पे हस्बैंड जी, मेरा देवर है और मेरे ससुर जी है, ये सब लोग आके यहाँ पे मदद करेंगे, तो इसलिए उधर जल्दी हो गया और सुबह में कर लिए थे। तो यहाँ पे ना उतना अच्छा से दुल्हा दुल्हन बैठी हुई थी ना, तो दिख ही नहीं रहा था। तो सबसे बड़ा कुछ भी मतलब जो भी रस्म होता है ना, वो कैमरामैन बीच में खड़े रहते तो कुछ दिखता ही नहीं। तो दूर से थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्डिंग किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये तीसरी शादी है, और तीसरी शादी में भी इस शादी में उतना अच्छा से शामिल नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत जयमाला देखने के लिए आए थे यहाँ पे। और पहली बार मैं इस आंगन में मैंने पाँव दिया है 19 साल के बाद, 19 साल हो गया मेरी शादी को, तो अब मतलब पहली बार मैंने पाँव डाला है। नहीं आती थी मतलब एक बहू का जो मर्यादा होता है वहाँ तक रखना पड़ता है एक टाइम तक, तो वो मर्यादा हम लोगों ने रखा था। अभी धीरे धीरे हम लोगों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो फिर एक दूसरे को तो मदद चाहिए ना। तो मरबा पुराने टाइम जब पहले बनता था ना चौकोट वाला, वो वाला मरबा बना हुआ है। बारह बजे से पहले भदवा पड़ जाते ना। हाँ शॉर्ट वीडियो फिर बना रहा है ना ये। मनले निंदे मारी चलो देख जखन वीडियो एकदम दांत खिसरित रहे छे बिना दांत। यहाँ पे ना जयमाला देख के आ गए हम लोग और सोचा कि एक बार ना बीच चौक पे घूम के आते हैं, कोई नहीं दिख रहा था तो सोचा देखती हूँ। दिन में तो मौका मिलता नहीं, दिन में घूंघट करके जाना पड़ता है, सब भरा रहता है, पूरा दुकान वकान खुला रहता है ना, तो हम लोग को पूरा घूंघट करके जाना पड़ता है। तो अभी सोचा कि देख लेते घूम फिर के क्या है कैसा है। और ये देखिए ये है सैलून है और ये मेरा दुकान है, तो सैलून खुला है। इसमें एक और दुकान था वो टूट गया है सड़क जब बना है यहाँ पे। और ये देख सामने मेरा आंगन का गेट है, बगल में हमारी पड़ोसी का गेट है और ये हमारा रोड है हमारे घर के सामने में। और नेहा का आंगन भी दिखा देती हूँ, देखिए ये नेहा का शादी हुआ है इस आंगन में, पहला वाला इसी आंगन में हुआ है। और सब लोग चाची लोग भी जगे हुए हैं, ये लोग हमारे लिए नाश्ता लेके आए हैं, भेज दिया है वहाँ से। मतलब भाभी लोग आई हुई थी तो उनका भी नाश्ता लेते जाओ, तो चाची लेके आई थी। यहाँ पे सास ससुर जी नाश्ता खा रही ही है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।